दिन की जद्दोजहद के बाद आईपीएल टीमों ने अपने अपने खिलाड़ी चुन लिए हैं। दो दिन तक लगातार नीलामी होती रही। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपनी टीम बना ली है। जी हाँ, धोनी की सलाह के बाद जिन खिलाड़ियों को टीम में चुना गया है वो पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स में इस साल आईपीएल कौन कौन खेलेंगे। सबसे पहले तीन नाम जिन्हें रिटेन किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के, उन्हें रिटेन किया गया था। सुरेश रैना उप कप्तान है चेन्नई सुपर किंग्स के, इन्हें भी रिटेन किया गया था। इनके अलावा तीसरे खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। अब जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में खरीदा, केदार जाधव ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी है। वेन ब्रावो को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। कर्ण शर्मा, जी हां स्पिनर हैं कर्ण शर्मा। शेन वॉटसन ताबड़तोड़ बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। शार्दुल ठाकुर तेज गेंदबाज हैं, शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। अंबाती रायडू विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मुरली विजय लकी रहे, पहले दिन अनसोल्ड थे लेकिन दूसरे दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने मुरली विजय को बेस प्राइस पर खरीद लिया। हरभजन सिंह पहली बार मुंबई इंडियंस से बाहर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे। धोनी ने इन्हें भी अपनी टीम में शामिल किया है। फाफ डुप्लेसी अफ्रीकी टीम के कप्तान है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। मार्क वुड इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। सैम बिलिंग्स विकेटकीपर हैं इंग्लैंड के, इन्हें भी टीम में लिया गया है। इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज हैं। दीपक चाहर ऑलराउंडर हैं, स्पिन गेंदबाज हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। मिशेल सेंटनर न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं, स्पिन गेंदबाज हैं। लुंगी एंगिडी नए नवेले फास्ट बॉलर हैं साउथ अफ्रीका के, अभी अभी टेस्ट सीरीज में दमखम दिखाया था। आसिफ तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी वक्त पर विंडो शॉपिंग के जैसे खरीदा। एन जगदीशन विकेटकीपर हैं, कनिष्क सेठ ऑलराउंडर हैं, मोनू सिंह गेंदबाज हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेंदबाजी करेंगे, ध्रुव शौर्य ऑलराउंडर हैं, क्षितिज शर्मा ये भी ऑलराउंडर हैं, चैतन्य बिश्नोई ये भी ऑलराउंडर हैं। तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम जो इस बार के आईपीएल में खेलेगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।